नाग नागिन आज भी दिखाते रहते हैं अपना चमत्कार। इस पत्थर के पास रात में जाना क्यों है मना और क्या होता है यहाँ पर आधी रात के बाद, ये सब कुछ हम जानेंगे आज के वीडियो में। तो वीडियो को अंत तक देखिए और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और नीचे दिए बेल आइकन को दबाना ना भूले। हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में बकलो इलाके में छोटा सा गाँव है जहाँ रात के समय कोई आता जाता है। ये इलाका पहाड़ों से ढका हुआ है और यहाँ पास से ही रावी नदी बहती है। इस इलाके में आपको कई बड़ी बड़ी प्राकृतिक चट्टानें मिलती है। इन चट्टानों में से कुछ को तराश कर उन्हें शिवलिंग के आकार में ढाला गया है और बरसों से यहाँ उसकी पूजा की जाती थी। कहा जाता है कि इन पत्थरों में भगवान शिव की आत्मा बसती है और लोगों को अक्सर यहाँ उनके होने के सबूत मिलते हैं। कहा जाता है कि शिवरात्रि के दिन यहाँ की रोशनी देखने लायक होती है। इस दिन शिवलिंग को सजाया जाता है। शाम को यहाँ भगवान शिव और पार्वती कबूतर के रूप में आते हैं और कुछ समय यहाँ बिताते हैं। वो यहाँ कब आते हैं और कब यहाँ से जाते हैं ये बताना जरा मुश्किल है। जब लोग अगली सुबह उस जगह पर जाते हैं तो उन्हें वहाँ बड़े बड़े पैरों के निशान देखने को मिलते हैं। एक दिन एक भक्त ने ये निश्चय किया कि वो इसका रहस्य जानकर ही रहेगा। उसने निश्चय किया कि वो अगली बार पूजा के बाद भी वहाँ मौजूद रहेगा और देखेगा कि आखिर यहाँ क्या होता है। और उसने ऐसा ही किया। पूरी रात पूजा चली और भंडारा हुआ। भंडारे के बाद सब लोग अपने अपने घर चले गए पर भक्त नहीं गया। वो एक बड़ी सी चट्टान के पीछे छिपकर देखने लगा। आधी रात से ज्यादा हो गई पर उसे किसी के आने का कोई सबूत नहीं मिला। वो मन ही मन बोला कि ये सब झूठ है, ढोंग है, यहाँ कोई नहीं आता। इतने सालों से लोग यहाँ बेवकूफ बन रहे हैं। ये कहकर वो पाँव पटक कर घर वापस जाने लगा। तभी एक बड़े से पत्थर पर उसे रोशनी दिखने लगी। जैसे जैसे वो रोशनी के पास गया उसकी आंखें चोंधी आने लगी। इससे पहले कि वो पत्थर के बिल्कुल पास जाता रोशनी से उसकी आंखें इतनी बुरी तरह जल गई कि एक पल को उसे कुछ भी दिखना बंद हो गया। वो किसी तरह हाथ पांव मारकर रास्ता ढूंढने लगा। अचानक से खामोशी छा गई। ऐसा लगा कि जंगलों में आने वाली कीट पतंगों की आवाज आने बंद हो गई है। चारों ओर भयंकर सन्नाटा पसरा हुआ था और भक्त का दिल धड़कने लगा कि अब क्या होने वाला है। तभी भक्त को पंखों के फड़फड़ाने की आवाज आने लगी। पंखों के फड़फड़ाने पर जो हवा आई वो भक्त की आंखों पर भी आकर लगी और उसको फिर से दिखने लगा। लेकिन जब उसने देखना चाहा तो उसे कुछ नहीं दिखाई दिया। उसने किसी के आने की आवाज तो सुनी थी पर वहां दूर दूर तक कोई दिखाई नहीं दे रहा था। लेकिन फिर उसे फिर से आवाज सुनाई देने लगी। लेकिन आवाज कहाँ से आ रही थी ये उसे समझ नहीं आ रहा था। वो एक पत्थर पर शरीर टिका कर लेट गया। तब उसे एहसास हुआ कि वो जिस पर लेटा है आवाजें वहीं से आ रही है। उसने जब कान लगाकर सुनने की कोशिश की तो एक भयंकर शोर हुआ। शोर होते ही दो नाग वहां लहराने लगे। नाग फुफकारते हुए भक्त के पीछे दौड़े। भक्त गिरता पड़ता भागने लगा और आखिर में चट्टान से टकरा कर बेहोश हो गया। कुछ देर बाद जब उसे होश आया तो उसने देखा कि दो लोग एक शिवलिंग की रक्षा कर रहे हैं जहाँ से रोशनी निकल रही थी और आवाजें आ रही थी। कुछ देर तक पहरेदारी करने के बाद एक दिव्य रोशनी बाहर निकली जो इतनी तेज थी कि भक्त उस रोशनी के परे कुछ देख नहीं पाया। वो रोशनी धीरे धीरे दो कबूतरों में बदल गई और आसमान में उड़ गई। कबूतरों के उड़ते ही दोनों लोग अचानक से नाग और नागिन में बदल गए। नाग और नागिन भी जंगल में चले गए। भक्त ने अगली सुबह ये पूरी कहानी सुनाई। पहले तो सभी गांव वालों ने उसे खूब लताड़ा कि वो भगवान के रहस्य को चोरी छुपे जानने की कोशिश कर रहा था और भगवान के सामर्थ्य को चुनौती दे रहा था। पर बहुत से लोग ये सुनकर आश्चर्य में पड़ गए और भगवान शिव की महिमा का बखान करने लगे। तब गांव के बुजुर्ग पंडित ने उन्हें बताया कि इस इलाके के जंगल में सालों से एक नाग और नागिन का जोड़ा रहता है। आज तक उसने किसी भी जानवर या इंसान को नुकसान नहीं पहुंचाया। सब मानते हैं कि वो नाग नागिन भगवान शिव के दूत है और रात में शिवलिंग की रखवाली करने आते हैं। और जब भी भगवान शिव और पार्वती माता कबूतर बनकर यहाँ आते हैं तो ये नाग नागिन वहाँ पर बैठे इसकी निगरानी करते हैं। हमने अपने पुरखों से सुना था कि ये नाग नागिन दिव्य है, इनकी कभी मौत नहीं होती। कहते हैं कि ये नाग नागिन पिछले 5000 सालों से यही काम कर रहे हैं और तब से रोज रात ये यहाँ पर आते हैं। लेकिन इन्हें रात के समय परेशान करके तुमने बहुत बड़ी गलती की। देवताओं को ऐसे परेशान करने से तुम बर्बाद हो सकते हो, इसलिए उन्हें रात में अकेला ही छोड़ देना चाहिए। ये अद्भुत कहानी सुनकर सब गांव वाले धन्य हो गए और भगवान शिव का जय जयकार करने लगे।
सबने मिलकर भगवान शिव को प्रणाम किया और भक्त ने अपनी गलती की भगवान शिव से कोटि कोटि क्षमा याचना की। तो कैसी लगी आपको ये हमारी कहानी, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। भगवान शिव की ऐसी ही सच्ची और रोचक कहानियों के लिए बने रहिए हमारे चैनल के साथ। हर हर महादेव।